हाँ जी बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल्स जो है आपको पता है थ्री साइडेड फिगर होती है, आप लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं। थ्री वर्टिसेस होती है, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड होती है, यू नो इट वेरी वेल। इट्स अ क्लोज फिगर विद मिनिमम साइड, यहाँ पर सबसे कम साइड, यहीं से क्लोज फिगर की हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने नाइन्थ में ट्रायंगल्स की रिलेटेड कुछ काम किया था, बता सकते हो? कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी में क्या करते थे हम ये कहते थे जब एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर एग्जैक्टली क्या करता था, ओवरलैप कर जाता था, तो हम उन दो फिगर्स को क्या कहते थे, कॉन्ग्रेंट करते थे। लेकिन सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में बहुत सारा फर्क है। सिमिलैरिटी का मतलब, क्योंकि हमने जो टॉपिक करना है वो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी का करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स, मैं बात कर रही हूँ सिमिलर फिगर्स की। अभी मैं ट्रायंगल्स में नहीं आई। सिमिलर फिगर का मतलब है मेरा ये हाथ है, ये मैंने ड्रॉ किया, ओके। अब बिल्कुल प्रोपोर्शनेट मैं अपना हाथ ड्रॉ करूं, जैसे जैसे मैं बड़ी मतलब हुई, पहले मेरा हाथ इससे भी छोटा हो सकता था। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट मतलब मेरे पास, मैं इसका साइज क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट वर्ड का मतलब क्या है, अगर इसमें और इसमें मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर था तो ये 2 हो गया, ये 2 था तो ये 4 हो गई फिगर, ये 2 थी तो ये भी 4 हो गई, ये 1.5 थी तो ये 3 हो गई। मतलब हर चीज कितनी टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है कि नहीं हो रही, डबल हो रही है ना, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन प्रोपोर्शनेट मतलब दोनों लेंथ को मैं डिवाइड करूं तो रेशियो हर एक में क्या है, सेम है। ये कॉन्सेप्ट हमारी रियल लाइफ में इतनी जगह यूज होता है, फोटोग्राफी, ड्राइंग, चीज इतनी सी होती है, हम ड्रॉ करके उसको इतना बड़ा बनाते हैं, प्रोपोर्शनेट हम बनाते हैं। प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी ड्राइंग, जब इसे कोई बच्चा आर्ट ऑप्शन, फाइन आर्ट्स ऑप्शन ऑप्ट करता है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट उसको यही बताया जाता है, ये छोटी सी फोटो उसको दी जाती है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे लाइंस लगाई जाती है, लाइन ड्रॉ कर दी, इसी के प्रोपोर्शनेट कोई चार्ट होगा, ठीक है, यहाँ 1 अगर सेंटीमीटर की ड्रॉ की है ना, तो यहाँ 10 10 पे वो ड्रॉ कर लेगा। मान लो उसने ये ड्रॉ कर दी, बट प्रोवाइडेड जितनी लाइंस इधर हैं, जितने बॉक्सेस इधर बने हैं, उतने ही बॉक्सेस इधर भी बनने चाहिए। अब अगर पहली फिगर में मान लो मैंने ये साइड थी जो मैंने ड्रॉ कर ली थी, ठीक है, यहाँ मैंने देखा फर्स्ट सेकंड बॉक्स में इधर से 1 2 3, इधर से भी मैं 1 2 मेरे पास, और ये 3, और ये ऐसे अपने आप वो फिगर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रोपोर्शनेट होगी, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट। मेरी बात समझ आई? कॉन्ग्रेंसी में बिल्कुल ओवरलैप करती है, लेकिन सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होती है। हाँ जी, शेप सेम, शेप सेम, साइज थी, लेकिन कॉन्ग्रेंसी में शेप भी सेम, साइज भी सेम। बात समझ आई? हाँ जी बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आ गई? ये बहुत जगह आप ताजमहल की फिगर देखते हो ड्रॉ किया जाता है। अब एक मैं पेज पे ताजमहल को ड्रॉ करूं, वो तो इतना
सा ही मैक्सिमम आएगा ना A4 साइड पे, क्योंकि ताजमहल है कितना बड़ा है। हमने क्या कर दिया उसको, प्रोपोर्शनेट रिड्यूस कर दी। करते हैं ना कई लोग, अब बॉडी किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, अब फेस तो हमारा इतना बड़ा है ना, लेकिन अब ड्रॉ करके A4 साइड पे इतना का बनाते हैं। अब ये थोड़ा है कि मेरी आईज एक तरफ से इतनी है तो वहां फेस के अकॉर्डिंगली मेरी आईज जो प्रोपोर्शनेट है तो वहां पर भी पेज में भी ही ड्रॉ करेंगे। बात समझ आई? ऐसे ही सर्कल, ऑल सर्कल जो है वो सारे सिमिलर होते हैं। क्यों? अगर विद सेम सेंटर में ड्रॉ करूं ये 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 ये, क्योंकि अगर जितना इधर से इंक्रीज होगा उतना ही इधर से इंक्रीज होगा, है कि नहीं? ऑल सर्कल्स ऐसे ही स्केयर साइड इंक्रीज कर दी, एक साइड इंक्रीज करूंगी स्केयर की, बाकी साइड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी स्केयर बनाने के लिए। एवरी स्केयर इज सिमिलर टू द अदर स्केयर, वो प्रोपोर्शनेट ही बने। रेक्टेंगल में देखना पड़ता है, एक साइड से जितना इंक्रीज करे उतना दूसरी साइड से प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करना पड़ेगा, उसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होगी डिफरेंट। ऐसे ट्रायंगल्स, लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रायंगल की अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 333 बनाए दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विद द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 666, लेकिन वो सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनेट। अगर मैं रेशियो लूं 3/6, 3/6, 3/6 तो 1/2, क्योंकि ये चीजें 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकती है। हां जी बेटा, अगर ये 1 रेडियस है, अगले का 2 है, अगले का 10 है, रात तो प्रोपोर्शन हर तरफ से, अगर यहाँ से 10 है तो इधर से भी 10, रात तो सेम से भी। ऑल सर्कल्स विद एनी सेंटर, सेंटर भी कहीं हो जाए हमें कोई टेंशन रहेगा, वो सिमिलर सिमिलर है। ओके जी, क्लियर? नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। हाँ जी, फर्स्ट है 6.1 में, पहला बेटा ये एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में से। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सिमिलर अभी मैंने बताया, ठीक है। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, मैंने अभी बताया, क्योंकि अपने आप स्क्वायर है, एक तरफ से लेंथ इंक्रीज करोगे दूसरी तरफ से अपने आप करनी पड़ेगी स्क्वायर बनाने के लिए, तो वो सिमिलर होगा ही होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बाय चांस जो मैंने एग्जांपल दिए देखो वही सारे फिल इन द ब्लैंक्स में है ना, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी स्टार्टिंग में ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए, टू पॉलीगंस ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब जरा ध्यान से, ये बात अभी हमने डिस्कस नहीं की पर मैं आपको करती हूँ। हाँ जी, टू पॉलीगंस ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो कहता है कि अगर दो पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स अगर सिमिलर है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। साइड्स जो है मैंने आपको पहले कहा क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, सेम। अगर एंगल इक्वल नहीं हुआ तो सिमिलैरिटी में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो वो फिगर सिमिलरली रेशियो में इंक्रीज नहीं कर सकती या डिक्रीज नहीं कर सकती, इसीलिए सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल और साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन। आगे इसको और डिटेल में करेंगे इसके रूल, जैसे कॉन्ग्रेंसी के हमने रूल्स किए थे ना, क्या किए थे, RHS रूल, SS रूल किया था, हाँ जी, फिर SAS किया था, फिर ऐसे ही इसमें भी रूल्स करेंगे, क्राइटेरिया करेंगे टू प्रूव ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके जी, क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट, अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ
सर्कल, स्क्वायर है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी एग्जांपल बता दो। फिर उसने कहा है नॉन सिमिलर फिगर्स, रेक्टेंगल हो सकता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है और ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम नहीं ना, सिमिलर हो सकता ये तो, अगर उतने प्रोपोर्शनेट में करें तो वो हो सकता है, नहीं करेंगे तो नहीं। ओके जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इन द एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर थर्ड इन एक्सरसाइज 6.1, व्हाट इज गिवन हियर बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब देखिए, फर्स्ट मेरे पास जो दिया हुआ है उसने चार साइड्स तो इक्वल दी है, देखिए बिल्कुल बेटा, और यहाँ पर जो है मेरे पास चारों साइड इक्वल में स्केयर भी होता है, रॉम्बस भी होता है, रॉम्बस फिगर से मिलकर जो है मेरे पास जरूरी नहीं है कि होए, जरूरी नहीं है होए, क्यों, रीजन देखो ये इतनी है, मैं इसी साइड को लेके मैं एक कोई साइड इधर ऐसे कर दूं, इधर को एंगल डिफरेंट कर दूं किसी तरह से, या कोई और 2 सेंटीमीटर इंक्रीज किया मैंने इधर, मैंने इधर को 2 सेंटीमीटर वाली फिगर बना दी, तो वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हमारे पास, क्योंकि एंगल सेम नहीं बनता किसी भी, ठीक है। मैं 2 सेंटीमीटर की इधर को कर दूं, रॉम्बस है इधर थोड़ी ज्यादा बन गई, इसीलिए मेरे पास जो है सिमिलैरिटी के लिए एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन। हाँ, अगर मैं बिल्कुल सेम एंगल में इंक्रीज करती रॉम्बस को, फिर हो सकता था, फिर पॉसिबल था, बट हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना, तो जब हर बार पॉसिबल नहीं होता उसका आंसर क्या आता है, नहीं था। ओके, नेक्स्ट फिगर उसने मुझे दी थी स्क्वायर, देखो कॉर्नर एंगल भी 90 दे दी है और सारी साइड्स भी क्या दे दी, इक्वल, मतलब एक फंडा बताओ वो फिगर सिमिलर होगी जो एक रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर है कि नहीं है, सारी साइड इक्वल और एंगल भी इक्वल आ जाए, तभी हम कहेंगे कि वो फिगर्स क्या है, सिमिलर, अदरवाइज नॉट, वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में नहीं आ। सबको बात समझ आ गई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से मैंने जो कंक्लूजन निकाला अभी तक, हाँ जी विमान प्लीज बेटा, मैंने जो कंक्लूजन निकाला प्लीज ध्यान से, दो फिगर्स सिमिलर तभी होंगी इफ पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, सेकंड हियर प्रोपोर्शनेट्स जो है साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब समझ गए सभी, मतलब एक साइड से अगर ट्रिपल की तो दूसरी साइड से भी ट्रिपल ही होनी चाहिए, थर्ड साइड से भी ट्रिपल इंक्रीज होनी चाहिए, फोर्थ साइड से भी ट्रिपल, या एक साइड से 1/4 की तो बाकी साइड से भी वो क्या होनी चाहिए, 1/4। समझ आ गई, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि दो मेरे पास, अब मैं बात सिर्फ ट्रायंगल्स की कर रही हूँ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहते हैं, पहला एंगल्स क्या हो, एंगल कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई भी नहीं, अगर ट्रायंगल मैंने कहा है पी क्यू आर सिमिलर टू ए बी सी, सिमिलर का साइन ही होगा, और यहां पर भी सिमिलैरिटी में बहुत मैटर करता है, अगर मैंने लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, पी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए, क्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू बी, आर कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी, तब
तभी रेशियो प्रोपोर्शनेट चेक करूंगी, नहीं तो प्रोपोर्शनेट चेक नहीं कर सकती। हाँ जी, साइड अगर आएंगी इधर से, मान लो मैंने पी क्यू ली, देखो पी क्यू क्या आ रहा है, जैसे कॉन्ग्रेंसी में लेते थे इक्वल टू, नहीं आएगा यहाँ प्रोपोर्शनेट, मतलब पी क्यू ओवर ए बी, इधर से क्यू आर बी सी, इधर से आर पी सी, नहीं ये हम आगे जब क्राइटेरिया करेंगे ना बेटा उसमें बताएंगे कि अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है तो उसके बीच वाला एंगल भी आ जाए, वो अलग रूल्स हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर, ठीक है, कि तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए वो हम लोग बाद में करें, अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ सिमिलैरिटी आ गई, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो 100% उनकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, उनके एंगल्स क्या होंगे इक्वल, ओके जी, क्लियर। चलिए बेटा अब सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द थ्योरम जो है दैट इज ऑन पेज 120 मेरे पास जो है 4, जिसे हम कहते हैं जो है पीपीटी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बेटा इसको थेल्स थ्योरम भी कह दिया जाता है, ओके। तो लेट अस रीड फर्स्टली द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अच्छी तरह लर्न करना, ओके बेटा। अब ये क्या थ्योरम कहती है बेटा, व्हाट दिस थ्योरम सेज, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point. अभी तक मैंने क्या कहा? अगर एक ट्रायंगल में मैंने एक लाइन draw की parallel to the third side, intersect the other two side at a distinct point. ठीक है, तो उसने कहा कि then the other two sides जो है are divided in the same ratio, that means मेरे पास अगर ये A B C ये D E है, अगर ये line इसके parallel है तो 100% A D by D B is equal to A E by E C, ये proof करना है, ओके बेटा। अब इसके लिए as we need to prove this, मुझे क्या करना पड़ेगा मन्नत, प्लीज पे कर अटेंशन हियर बेटा। सबसे पहला काम मुझे गिवन क्या है, BE पैरेलल टू BC है। अब देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन की, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ की, मार्क इट EG, मान लीजिए, ठीक है, सिमिलरली मैं इधर भी करूँ, इसको एक्चुअली इसको इससे ज्वाइन करें, थ्योरम कराते कराते मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो प्रूफ है ना आप उसको भी करो, ये भी तो हो सकता है एक केस स्टडी में वो आपको प्रूफ दे दे, बीच में एक स्टेप क्या कर दे, मिस कर दे। मैं अगर पेपर डालूं तो मैं ऐसा काम कर सकती, मतलब मेरा अगर माइंड चले जैसे किसी और का भी तो चलेगा ना, एजुकेटर्स तो सारे बेटा मतलब क्लासिकल क्वेश्चन ही डालते हैं, तो ट्राई टू डू द प्रूफ स्टेप बाय स्टेप, उसको लर्न करना मेरे अकॉर्डिंग, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब मैंने इनको ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू हियर, मेरे पास जो है कंसिडर द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास हो गए ए डी ई, मेरे पास ए डी ई, जब मैंने एरिया लिया, एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा हाफ बेस इक्वल, अगर मैं देखूं ये ट्रायंगल घूमी हुई है इधर को, क्यों, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ये है,
बेस क्या होगा? होगा कि नहीं? ए डी, ए बी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल ही ए डी ई ले रही हूँ तो ए बी कहाँ से बेस आ गया? जितनी ट्रायंगल होती है बेस उतना ही लेती है ना उसका बेस, तो हाफ बेस ए डी हाइट ई जी, मार्क दिस वन, इसको मैंने ए वन ली. ओके, नाउ ए टू, ये आपने एक ट्रायंगल ऊपर बनी ली थी ना, अब इसके नीचे बनी ट्रायंगल यही वाली लेनी है बेटा, ध्यान से मैंने डाल दी. तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर, एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल डी ई. अब अगर आपको याद हो जो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होती थी ऐसे, ये अगर इसका मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, हाइट वो बाहर आता था कि नहीं, तो अगर मैंने इसका एरिया लिखना होता था मैं कहती थी हाफ बेस इतना और ये हाइट, एम आई राइट? ये जो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बेस इसका यही लेकिन हाइट बाहर को आ गई, यही 90 है ना, यही आएगा. यानी हाफ बेस मेरे पास क्या आ गया, बी डी हाइट ई जी, मार्क दिस. अब आप क्या करो, इक्वेशन वन और टू को ना डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन और टू को क्या कर दो, डिवाइड. ए वन ओवर ए टू हाफ ए डी इंटू ई जी ओवर हाफ बी डी इंटू ई जी, कैंसर कैंसर, ए डी ओवर बी डी. कुछ प्रूफ करना है ना, आधी साइड हमारे पास आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? ये ए वन ओवर ए टू मार्क दिस टर्म. मैंने ये लिया था कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल. सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ऊपर लूं, ये इधर बन, तो अपने आप आएगी ए ई ओवर ई सी, आएगी कि नहीं आएगी? दैट मींस सिमिलरली ऊपर ए वन ही आएगा, नीचे ए थ्री आप लिख दोगे. लेट ए थ्री जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, और इधर क्या आ जाएगा, ए ई ओवर ई सी. मार्क दिस पॉइंट. अरे बेटा आपको आंसर नहीं, दोनों इक्वल चाहिए, यानी किसी तरह से आपको क्या करना है, ये दोनों साइड इक्वल करनी है. अगर मैं देखूं a1 और a1 सेम है ऊपर, क्या इक्वल करना है, a2 a3. a2 है ये वाली ट्रायंगल, a3 है ये वाली ट्रायंगल. अगर देखो ये दोनों का एरिया 100% इक्वल होगा. क्यों? ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, हमने 9th में किया हुआ है, सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या सेम पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द सेम ट्रायंगल? देखो ये ट्रायंगल सेम बेस है, इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है ना, और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, तो ऐसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है. तो दैट मींस अब हम रीजन लिखते हैं, यहां तो कोई टेंशन वाली बात नहीं. तो दैट मींस A2 is equal to A3. A2 equal to A3. Reason दे देना साइड पे. Mark this list. यानी ये इसके equal हो गया, ये इसके equal हो गया. तो ये आपस में equal हुए कि नहीं? यही proof करना था. क्या proof दिया? कब ये use हो रहा? ये 100% इस पर base एक paper में question आ गया. Numerical value निकालने का. क्या बिटवीन? अगर एक line
किसी और किसी वन लाइन के पैटर्न है जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है उसकी रेशियो आपस में क्या है इक्वल, रेशियो इक्वल है साइड हम कहते हैं तो प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल है यानी AD ओवर DB इज इक्वल टू AC ओवर BC के बाद सबको हितांशु पे अटेंशन केयर बेटा बाहर कुछ नहीं है सबको बात समझ आई ट्रायंगल जिस तरह मर्जी हो मान लो मेरे पास हो गए अगर आप ये ट्रायंगल है ना सपोज ये लाइन यहां इसके पैरेलल देन अगर मैंने ई एफ जी एच आई लिखा है तो थ्योरम कैसे चेंज कर दे ई एफ ओवर एफ जी equal to E H over H. अब यहाँ से मैं एक और चीज बता दूँ, वन ऐड कर दूँ, तो आप एक और रिजल्ट रिटर्न सीधा कर सकते हो। मान लो आपको ये साइड दी है, आपको पूरी साइड दी है, आपको ये साइड दी है, और आप इस साइड की काटने को काट, तो सीधा रिजल्ट भी होता है। Terminate
डिनोमिनेटर में 2 की पावर m 5 की पावर